नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित सिंह पटवाल एंड आप से देख रहे हैं पटवाल कार्स। सो आज सिट्रन ने अपना फोर्थ मॉडल इंडियन का मार्केट के लिए रिवील कर दिया है, जो है सिट्रन बेसॉल्ट विजन। ये कूपे एसयूवी है जो डायरेक्ट राइवल करेगी टाटा मोटर्स की कर्व के साथ। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये इसका एक्चुअल प्रोडक्शन स्पेक नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट वर्जन है। यानी कि जो इसका प्रोडक्शन स्पेक होगा वो इससे थोड़ा डिफरेंट एंड इसका इम्प्रूव वर्जन होगा। एंड दूसरी चीज आपने अभी तक नोटिस कर ही ली होगी कि ये गाड़ी भी बेस्ड है सिट्रन की C3 के ऊपर एंड एक काफी सारे डिजाइन एलिमेंट शेयर करती है C3 एयरक्रॉस के साथ। जैसे कि फ्रंट के बारे में बात की जाए तो इसका फ्रंट काफी हद तक सिमिलर है C3 एयरक्रॉस के जैसा ही, मगर यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं एंड वहाँ पे नॉर्मल हेलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स बनेंगे। साइड की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इसके कूपे डिजाइन को, जो इसके फ्लोटिंग रूफ की वजह से मिल रहा है। ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटेना मिलता है, डुअल टोन रूफ मिलेगी, सी पिलर में जो है ब्लैक डॉट विंडो एक्सटेंशन लाइन आती है, साइड बॉडी क्लैडिंग्स मिलेंगे एंड काफी बड़े से अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो प्रोडक्शन स्पेक में 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर एक चीज सिट्रन ने यहाँ पे काफी गलत करी है कि उन्होंने इस गाड़ी के अंदर भी वही ओल्ड स्कूल वाले पुल टाइप डोर हैंडल्स को ऑफर कर दिया है, जबकि उनको यहाँ पे मॉडर्न क्रैप टाइप डोर हैंडल्स को ऑफर करना था जो एक प्रीमियमनेस को एड ऑन देता है। साथ ही जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आएगी उसके अंदर तो ये होना ही चाहिए था। बाकी रियर के बारे में बात की जाए तो रियर भी इसका काफी सिमिलर है सिट्रन की C3 एयरक्रॉस के जैसे ही, बस यहाँ पे LED टेल लैंप्स मिलती है एंड वहाँ पे नॉर्मल हेलोजन टेल लैंप्स आएंगी। बाकी बूट पे जो है यहाँ पे सिट्रन का लोगो आता है एंड बेसॉल्ट की बैजिंग मिलेगी, डुअल टोन रियर बम्पर मिलेगा विद स्किड प्लेट। डायमेंशन के बारे में बात की जाए तो गाड़ी के जो डायमेंशन है वो सिमिलर होंगे सिट्रन की C3 एयरक्रॉस के जैसे ही, यानी कि गाड़ी की जो लेंथ है वो होगी 4.3 मीटर्स, जो कि टाटा कर्व की भी है। इंटीरियर के बात की जाए तो गाड़ी के इंटीरियर्स ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, मगर इसका जो इंटीरियर है वो सिमिलर होगा C3 एयरक्रॉस के जैसी। बस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि C3 एयरक्रॉस से थोड़े ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि स्मार्ट कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर्स एंड वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो सिट्रन ने अभी इसके पावर ट्रेन ऑप्शन जो है रिवील नहीं करे हैं, यानी कि नहीं पता इसमें कौन से इंजन ऑप्शन आएंगे, लेकिन एक इंजन जो है पे कंफर्म्ड है, ये है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो जनरेट करता है 110 PS की पावर, मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर करता है 190 Nm का टॉर्क एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऑफर करता है 205 Nm का टॉर्क। अवेलेबल है एक 6-स्पीड के मैनुअल एंड एक 6-स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ। गाड़ी की प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11 लाख रुपीज से लेकर 15 लाख रुपीज एक्स शोरूम के बीच में। इसका लॉन्च होगा 2024 के सेकंड हाफ में एंड टाटा कर्व की तरह ही सिट्रन भी जो है इसका एक इलेक्ट्रिक वर्जन लेके आएगा जो पेट्रोल मॉडल के लॉन्च के 6 महीने बाद लॉन्च हो जाएगा। तो ये थी वीडियो सिट्रन की अपकमिंग कूपे SUV बेसॉल्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।